जहां उसका वध राम जी ने किया, तो क्या राम भक्तों की आज ये जिम्मेदारी नहीं है कि आज जो महिलाओं को अपमान करते हैं, जो पुली ऐप बनाते हैं, मुसलमान की बहु बेटियों की बेइज्जती करते हैं, फोर सेल लिखते हैं, क्या ये रावण के भक्त नहीं है? हिंदू समाज के लिए ये सवाल है कि कौन सा वो दौर है, कौन सा वो धर्म की तुम्हारी पुस्तक पढ़ाई गई है जिससे तुम्हें ये सिखाया गया है कि हिंदू और मुसलमानों को लड़ना चाहिए? क्या वो देश प्रेमी हो सकता है जो अपने ही देशवासियों के 20 लाख लोगों का कत्ल करने की बात करे? हम दावा देते हैं जो हमारी जान लेना चाहते हैं, हम दावा देते हैं उन बेईमानों को, उन तमाम लोगों को जो हमसे नफरत करते हैं, और उनकी नफरत इसलिए नहीं है कि हम खराब लोग हैं, उनकी नफरत इसलिए है कि हम बहुत अच्छे हैं। इस वक्त मैं मुसलमानों की बात नहीं करूंगा, हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से मैं इस पर बात करना चाहता हूँ। आपसे बात बाद में होगी, मैं अपनी बात हिंदू समाज तक पहुंचाना चाहता हूँ। ये बताओ, क्या रावण मुसलमान था? मुसलमान और हिंदू की लड़ाई कब हुई है? कौन से दौर में हुई है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने दोनों नीचे रावण से जंग की, क्या रावण मुसलमान था? कृष्ण जी ने कंस का वध किया, कंस मुसलमान था? महाभारत में कौरवों और पांडवों के दरमियान जंग हुई, मैं पूछता हूँ क्या कौरव मुसलमान थे? हिंदू समाज के लिए यह सवाल है कि कौन सा वो दौर है, कौन सा वो धर्म की तुम्हारी पुस्तक पढ़ाई गई है जिससे तुम्हें यह सिखाया गया है कि हिंदू और मुसलमानों को लड़ना चाहिए? मैंने ये डॉक्टर देखा है कि वो हिंदू समाज के मामलात हो या मुसलमानों के हो, हर दौर में अच्छाई और बुराई के दरमियान लड़ाई हुई है, अच्छाई और बुराई के दरमियान जंग हुई है, और हर दौर में बिलाखिर जंग हमेशा अच्छाई ने जीती है, बुराई हमेशा ताकतवर नजर आई है। राम बहुत कमजोर नजर आ रहे थे, तन्हा थे, रावण का कितना बड़ा साम्राज्य था, लेकिन बिलाखिर रावण परास्त हुआ। मैं कहना यह चाहता हूँ कि अच्छाई और बुराई के दरमियान हमेशा जंग होती रही है, और इस जंग को कोई नहीं रोक सकता, ये जंग होती रहनी चाहिए, रहती दुनिया तक ये जंग जारी रहेगी। लेकिन तय हमारे हिंदू समाज को आज ये करना है कि असल में अच्छा कौन है और बुरा कौन है। अगर हम बुरे हैं तो ये बताओ, हम अपने देश के लिए मरने आए हैं, अपने मजहब के लिए मरने आए हैं, अपने रसूल की अनुमत पर जान देने के लिए आए हैं, और वादा करते हैं हाथ उठाकर कि हमें मारो, हम तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ेंगे, हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। नहीं, किसी धर्म में लोग कहते हैं, मैं हर साल में देखता हूँ दशहरे पर, लोग कहते हैं कि अच्छाई पर बुराई पर अच्छाई की जीत हुई, रावण का वध हुआ, रावण मारा गया। रावण कौन सा? रावण में क्या खराबी थी? रावण में खराबी ये थी कि उसने सीता मैया का अपहरण किया था, सीता मैया पर बुरी निगाह डाली थी। यही बात है, उसके दिल में महिलाओं के लिए सम्मान नहीं था, उसके दिल में महिलाओं के लिए सम्मान नहीं था। मैं पूछता हूँ कि अगर रावण बुरा था, उसका वध राम जी ने किया, तो क्या राम भक्तों की आज ये जिम्मेदारी नहीं है कि आज जो महिलाओं को अपमान करते हैं, जो पुली ऐप बनाते हैं, भाई ऐप बनाते हैं, मुसलमान की बहु बेटियों की बेइज्जती करते हैं, फोर सेल लिखते हैं, क्या ये रावण के भक्त नहीं है? ये अपने आप को राम भक्त कह
लड़ते जरूर है, लेकिन असल में वाकई अगर हमारे खून से तुम्हारी जान बुझती है तो हम अपना खून देने के लिए तैयार। अपने देश की एकता के लिए, अपने देश के भाईचारे के लिए, अपने देश के अमन अमान के लिए, वो बुरा है या वो बेईमान जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते, लोगों को कत्ल करने की बात करते हैं और खुद को कहते हैं देश प्रेमी। मैं पूछता हूं, क्या वो देश प्रेमी हो सकता है जो अपने ही देशवासियों के 20 लाख लोगों का कत्ल करने की बात करे? लड़ाई तो हमारे खून में है, देश में भूखा हुआ बैठा हुआ है चाइना। मैं तो हुकूमत से मांग करता हूँ, मेरे ये 20,000 नौजवान आए हैं, मेरे ये 20,000 नौजवान सर पे कफन बांध के आए हैं अपनी जान देने अपने देश के लिए। मेरे नौजवानों को थोड़ी सी ट्रेनिंग दे दो, थोड़े से हथियार दे दो, कैलाश मानसरोवर जो चीन ने कब्जा कर रखा है हम अपने हिंदुस्तानियों को भेंट करने के लिए। पाकिस्तान चलते हैं, चलो पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान करके मुसलमानों को डराने वालों, हम तैयार हैं। हमें दो, हमें हथियार दो, फौज को बुला लो, हमारी ये 20,000 नौजवान पाकिस्तान रोज कुरान की जो उन्नति होती है हम सब्र करते हैं, रोज रसूल आजम की शान में गुस्ताखी होती है हम सब्र करते हैं, खून के आंसू रो रहे हैं, खून के घूंट पी रहे हैं, उससे तिलमिला रहे हैं, सब्र कर रहे हैं। हमारी बहन बेटियों की इज्जत आंकड़ों से खिलवाड़ किया जाता है, हमारी बहन बेटियों को कहा जाता है अपने नौजवानों से इनकी बेटियों को मर लाओ, बहकाओ, भगा कर लाओ, शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती, खून के आंसू है हम खून का घूंट पी के रह जाते हैं, क्योंकि हम अपने मुल्क में अमन और पाए चाहते हैं, लेकिन अब हमारे सब्र का पैमाना टूट चुका है। डरता हूँ उस वक्त से जिस दिन मेरे नौजवान ये गुस्सा छूट पड़ा, जिस दिन मेरा नौजवान मेरे कंट्रोल से बाहर आ गया, जिस दिन मेरा कंट्रोल इन नौजवानों पे सशक्त हो गया। मुझसे बहुत लोग कहते हैं तुम तो मुश्किल हो गए, तुम तो कुछ करना नहीं चाहते, लेकिन मैं कहता हूँ पहले मैं मरूंगा, बाद में तुम्हारा नंबर आ